हाय एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। लास्ट वीक हमने 2EMAs प्लस चार्ट प्राइम ऑसिलेटर स्ट्रेटजी, जो एक पेड इंडिकेटर सेटअप है, उसको स्टॉक्स में टेस्ट किया था। रिजल्ट्स वर इम्प्रेसिव। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का जरूर चेकआउट करना। ये स्ट्रेटजी ना काफ़ी आग लगाई है मार्केट में। इतने लोगों ने डिमांड हमको किया था और कि बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए आपकी रिक्वेस्ट में हमने ये वीडियो बनाया है। सो इन दिस वीडियो वी विल सी अनदर स्ट्रेटजी। क्रेडिट फॉर द स्ट्रेटजी गोज टू सुभाषीष पन्नी जी फ्रॉम पावर ऑफ स्टॉक्स, हू हैज़ अ यूट्यूब चैनल विद ओवर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। आप उनका चैनल देख सकते हो स्क्रीन पे। हमारी भी चैनल पे बहुत जल्दी 15K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारा कंटेंट भी अच्छा लगता है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी कर दो सब्सक्राइब। सो टुडेज़ वीडियो इज पार्ट ऑफ अवर फेमस यूट्यूबर फ्री स्ट्रेटजी सीरीज, वेर वी टेस्ट स्ट्रेटजीज प्रोवाइडेड बाई योर फेवरेट यूट्यूबर्स एंड बैक टेस्ट दो स्ट्रेटजीज एंड कैलकुलेट द रियल विन रेट। सो टुडे वी आर गोइंग टू बैक टेस्ट अनदर फेमस स्ट्रेटजी कॉल्ड एज बॉलिंजर बैंड। स्क्रीन पर आप वीडियो देख सकते हो। ये स्ट्रेटजी उन्होंने स्टॉक मार्केट समिट 2022 जो रिसेंटली दिल्ली में हुआ था वहाँ शेयर किया था, और उसका वीडियो पुष्कर राज ठाकुर जी ने अपने चैनल पर भी पोस्ट किया था। स्ट्रेटजी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मीन रिवर्शन पर ही बेस्ड है, सेम 5EMA जो था ना वैसे ही। इसमें उन्होंने सिर्फ एक ही इंडिकेटर यूज़ किया है और वो है बॉलिंजर बैंड। जिसको नहीं पता बॉलिंजर बैंड क्या होता है, इसमें बेसिकली 3 लाइन्स होते हैं। ये जो मिडल वाला लाइन होता है ना, वो एक सिंपल मूविंग एवरेज होता है, जनरली 20 पीरियड का मूविंग एवरेज होता है। और यहाँ पर आपको एक अपर बैंड और लोअर बैंड ये तो दिख रहा होगा, ये जनरली इसी मूविंग एवरेज का स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। ये आपको काइंड ऑफ एक ट्रेडिंग जोन देता है। जनरली ऐसा माना जाता है कि जैसे स्टॉक अपर जोन के ऊपर चले जाए या फिर उसके एरिया के आसपास हो तो वो ओवरबॉट हो गया है और बहुत जल्दी रिवर्सल आएगा, या फिर जब वो स्टॉक अपने लोअर बैंड के आसपास हो तो ऐसा माना जाता है कि वो स्टॉक बहुत ओवरसोल्ड हो गया है और अभी ऊपर जा सकता है। इसके और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, जैसे बॉलिंजर बैंड स्क्वीज, बॉलिंजर बैंड का विड्थ होता है, बहुत कुछ है, बट अभी वो सब इस वीडियो में नहीं देखेंगे। स्क्रीन पे आपको इसका फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा रहेगा, जिसको जानना है उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा अगर आपको डिटेल में समझना है तो इसको। तो स्ट्रेटजी जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, मीन रिवर्सन पे बेस्ड है। अगर स्टॉक अपर बैंड को टच करेगा तो उसको एट दी एंड मीन पर तो आना ही है, सेम अगर स्टॉक अपने लोअर बैंड को टच करता है तो उसको एट द एंड अपने मीन पे आना ही है। हमने इनकी 5EMA स्ट्रेटजी को भी अपने चैनल पे टेस्ट किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। उसके परफॉर्मेंस तो बहुत सारी चीज़ों में अच्छा था। देखते हैं ये स्ट्रेटजी कैसे काम करता है। तो इंट्रो के बाद हम स्ट्रेटजी पे चलते हैं, जहां हम बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटजी प्रोवाइडेड बाय सुभाषीष पन्नी फ्रॉम पावर ऑफ स्टॉक्स को टोटल 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे इन 4 स्टॉक्स में और चेक करेंगे कि ये कैसे काम करता है। सो हाई एवरीवन, दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इनसाइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे। उन्होंने अपने वीडियो में ये भी बोला था कि आपको मिनिमम स्ट्रेटजी को 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है और आप उसके ऊपर यूज़ कर सकते हो। सो हम आज तो एटलीस्ट 15 मिनट्स में ही टेस्ट करेंगे, वो भी BTST के लिए। हो सकता है हम आगे स्विंग ट्रेड या फिर पोजिशनल के लिए भी चेक करें, वो आपके ऊपर रहेगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दो। सो हम टाइम फ्रेम यहाँ पर 15 मिनट्स कर देंगे। अभी इसके बाद हम ऊपर इंडिकेटर पर क्लिक करेंगे और बॉलिंजर बैंड सर्च करेंगे। तो ये बॉलिंजर बैंड आ जाएगा बिल्ट इन वाला, तो इसे हम ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हम इसके सेटिंग्स पे जाएंगे और लेंथ को 20 ही रखेंगे, बट स्टैंडर्ड डिविएशन को 2 से चेंज करके 1.5 करेंगे। उन्होंने कहा कि 2 से हमने 1.5 इसलिए किया क्योंकि अपने को इसे ज़्यादा ट्रेड मिलता है, जनरली 2 पे उनको कम ट्रेड मिलता है। इसके लिए रूल्स देखने से पहले मैं आपका 2 मिनट लेना चाहूँगा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है उसके बारे में बात करेंगे। अब एज अ ट्रेडर आप जानते हो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, ब्रोकरेजेस। प्रॉफिट हुआ तो ब्रोकरेज भरो, लॉस हुआ तो ब्रोकरेज भरो। तो क्या कर सकते हैं हम इसका, यहाँ हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर एम स्टॉक बाय मीरा एसेट्स आते हैं। ये आपको 0 ब्रोकरेज प्लान देते हैं, जिससे आपको एक पैसा भी ब्रोकरेज नहीं देना, वेदर इट बी इंट्राडे, डिलीवरी, FNO, करेंसी, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा, आप कुछ भी यूज करो इनके प्लेटफॉर्म पे। और जस्ट बिकॉज ये ब्रोकरेज नहीं लेते, इसका मतलब ये नहीं है कि एम स्टॉक्स की टीम ने फीचर्स के मामले में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज किया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, आप ईयरली 5,000 तक इजिली ब्रोकरेज बचा सकते हो। यहाँ एक ब्रोकरेज कैलकुलेटर का इनका लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये पूरा पैनल खुल जाएगा। यहाँ देखिए हम ऑप्शंस में जाएंगे। अभी आप भी जानते हो एक एवरेज ट्रेडर दिन का 5 ऑप्शन के ऑर्डर तो डालता ही है, राइट। तो हम लोग यहाँ ऑप्शन के उसमें 5 डाल देंगे। तो देखिए आप ऑप्शन के उसमें ऑलमोस्ट साल का 12,000 रुपया बचा रहे हो सिर्फ ब्रोकरेज में, और इंट्राडे में भी वैसे ही कुछ केस है।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सब कैलकुलेशन हम ऐसा कंसीडर कर रहे कि 10 रुपया फ्लैट रेट ले रहे हैं एफएनओ में। जनरली सब ब्रोकर्स 20 रुपीज फ्लैट लेते हैं ब्रोकरेज। आप समझ सकते हो कि आपका कितना पैसा बचेगा इसमें। चलिए इनका टर्मिनल देखते हैं, काफी यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है। एक चीज, जैसे आप जानते हो, ट्रेडिंग करने से पहले हमें पूरे मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है आज ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज मार्केट बेरिश रहेगा कि बुलिश रहेगा, ये सब कंसीडरेशन के बाद ही हम हमारे ट्रेडिंग सेटअप पे जाएंगे, राइट। जो चीज मेरे को सबसे पहले इनके पैनल पे दिखा वो है ये सारे ग्लोबल इंडाइसेस, इंडियन इंडाइसेस, FII और DII का डेटा सब आपको एक ही जगह पे दिख रहा है। ये सब देखने के लिए आपको मनी कंट्रोल या फिर कोई दूसरा ऐप यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। और आपको कोई भी स्टॉक्स ऐड करना है तो सिंपली राइट साइड में आपको वॉच लिस्ट दिख रहा होगा, इधर सर्च में जाके आप सर्च करो और आपको मिल जाएगा। अभी इधर एक चार्ट का ऑप्शन, उस पर क्लिक करोगे तो ये ट्रेडिंग व्यू का इंटीग्रेटेड चार्ट खुल जाएगा इनका। ये तो आपको पता ही है, ये सब ब्रोकर का भी कर दिया है। इसमें एक चीज जो मुझे और अच्छा लगा कि आप यहाँ पर ऊपर जाओगे ना तो यहाँ पर एक न्यूज सेक्शन मिलेगा, तो सारे न्यूज आपको एक ही जगह पे मिल रहे हैं। कुछ भी बाय सेल करना है आपको सिंपली स्टॉक्स पे क्लिक करके बाय या सेल क्लिक करो। और इसके आगे ये सब तो आपको पता ही है, जैसे लिमिट ऑर्डर लेना है, मार्केट ऑर्डर लेना है, क्या लेना है, सब कुछ। म्यूचुअल फंड्स हो, FNO हो, कैश हुआ, ये सब आपको एक ही अम्ब्रेला के नीचे ही मिल रहा है। सो अब आप पूछोगे ये इतना सब जीरो ब्रोकरेज में कैसे दे पा रहे प्रणीत, चैरिटी कर रहे हैं ये लोग? ऑब्वियसली नहीं। अभी यहाँ आपके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहला आपको इनका बेसिक 149 रुपीज का अकाउंट खोलना है, तो ये आपको नॉर्मल स्टॉक ब्रोकर जैसा मिल जाएगा। अभी इसमें आपको सारे ब्रोकरेजेस वोकरेजेस सब कटेगा, तो ऑब्वियसली मैं ये ऑप्शन तो आपको कभी लेने बोलूंगा ही नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अभी इनका सेकंड ऑप्शन जो मैं रिकमेंड करूंगा कि ले रहे हो तो एटलीस्ट ये वाला तो लेना, और वो है ये जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ वाला प्रोडक्ट। इसमें सिंपली आपको 999 रुपीज भरना है, तो आपको लाइफ टाइम तक जीरो ब्रोकरेज भरना है, वेदर वो डिलीवरी हो, इंट्राडे हो, FNO हो, म्यूचुअल फंड्स हो, किसी में भी हो, सब में आपको जीरो ब्रोकरेज भरना है। हाँ, बट एक और चीज, ये 149 और 999 इनमें आपको हर क्वार्टरली 120 रुपीज का AMC चार्ज लगेगा। अभी आप में से पूछोगे प्रणीत हमें AMC चार्ज भी नहीं भरना है, तो इधर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा कि अगर आपने वन टाइम 999 रुपीज भर दिया तो आपको लाइफ टाइम तक फ्री AMC मिलेगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उसे क्लिक करके और डिटेल में देख सकते हो, और सही लगा तो फिर अकाउंट ओपन कर लो। 2 मिनट बोला था, शायद थोड़ा ज्यादा हो गया। चलिए रूल्स पे चलते हैं। चलिए रूल्स फॉर बाय एंट्री देखते हैं। सबसे फर्स्ट रूल, कैंडल शुड बी कंप्लीटली बिलो द लोअर बैंड, मतलब कैंडल का जो हाई है ना वो लोअर बैंड के नीचे होना चाहिए। तो ये वाला जो कैंडल फॉर्म हुआ है ना, हम इसे अलर्ट कैंडल बोलेंगे, ओके। सो एंट्री वुड बी अबव द हाई ऑफ द अलर्ट कैंडल, स्टॉप लॉस वुड बी बिलो द अलर्ट कैंडल, और टारगेट 4 टाइम्स द रिस्क। Yes, you heard it right. ये 1:4 risk reward का strategy है। चलिए इसके एक example देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ candle completely Bollinger Band के नीचे है, देख सकते हो इसका high Bollinger Band के lower band से नीचे है, तो हम इसके high के ऊपर entry लेंगे, stop loss ये alert candle का low रखेंगे, और target 4 times the risk, and this example was a win. अभी इसमें एक और चीज़ है जो उन्होंने लाइटली कवर किया था अपने सेमिनार में, हम उसको भी थोड़ा एक एग्जांपल के साथ कवर करेंगे ताकि जिसको भी उस बारे में डाउट है वो क्लियर हो जाए। यहाँ देखिए, ये वाला जो एग्जांपल है, यहाँ पर ये जो कैंडल बना है, फर्स्ट वाला कैंडल, ये अलर्ट कैंडल है, बट आप देख सकते हो अगले कैंडल ने इसका हाई ब्रेक ही नहीं किया और एक लोअर हाई वाला कैंडल बनाया, तो हमारे लिए ये सेकंड वाला जो कैंडल है ना वो नया अलर्ट कैंडल बन जाता है। ये फर्स्ट वाला है वो फर्स्ट अलर्ट कैंडल माना जाएगा, और ये जो दूसरा वाला बना है वो सेकंड अलर्ट कैंडल माना जाएगा। एंट्री हम जैसे ही ये लेटेस्ट वाला जो सेकंड वाला अलर्ट कैंडल है उसका हाई ब्रेक होता है वहां एंट्री लेंगे, और स्टॉप लॉस एक एग्जांपल है, अगर मैं एडिटिंग के टाइम डाल सकता हूं तो स्क्रीन पे डाल दूंगा, कि यहां पर उन्होंने क्या रखा है कि यहां पर जो लोवेस्ट लो रहेगा ना सारे अलर्ट कैंडल्स में से, आपको उसको स्टॉप लॉस रखना है, तो हम भी उसको वैसे ही टेस्ट करेंगे। अगर यहां पर 2 से ज्यादा अलर्ट कैंडल भी बने, जैसे आपको एक थर्ड कैंडल बना जो सेकेंड कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं कर पाया, तो उस केस में भी इन तीनों में जिस भी अलर्ट कैंडल का लो नीचे रहेगा ना, हम उसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट 4 times द रिस्क रखेंगे, एंड दिस वॉज अ विन। चलिए एक बार मॉडिफाइड रूल्स को भी ऑन पेपर डाल देता हूँ ताकि आप रीड करके भी समझ सकते हो। फर्स्ट रूल, कैंडल हाई शुड बी बिलो लोअर बैंड, ओके। अगर ये नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस अलर्ट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं कर पाया तो ये हमारे लिए नया अलर्ट कैंडल बन जाएगा। एंट्री वुड बी अबाउ द हाई ऑफ द लेटेस्ट अलर्ट कैंडल, सो इधर 2 अलर्ट कैंडल बनाए तो जो सेकेंड वाला अलर्ट कैंडल है उसके हाई के ऊपर हम एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस वुड बी बिलो द लोएस्ट लो ऑफ ऑल द अलर्ट कैंडल्स। ये केस में जैसे आप देख सकते हो 2 अलर्ट कैंडल है, तो इनमें से जो भी लोएस्ट लो रहेगा अपन उसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे
और टारगेट 4 times द रिस्क। तो जैसे आप देख सकते हो ये वाला एग्जाम्पल जो था वो विन था। आई होप ये डाउट सबका क्लियर हो गया है। बहुत लोग को ये डाउट आया होगा। ये चीज़ आप जब मैनुअल बैक टेस्टिंग करोगे ना तो ही आपको समझेगा। और ये पॉइंट को आप जब भी आप ऑटोमेटेड टेस्टिंग भी करो ना तो इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। चलिए वैसे ही मॉडिफाइड रूल्स फॉर सेल एंट्री देखते हैं। फर्स्ट रूल, कैंडल लो शुड बी अबाउ द अपर बैंड। अगर ये नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस अलर्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर पाया है तो हमारे लिए नया अलर्ट कैंडल बन जाएगा। एंट्री वुड बी बिलो द लो ऑफ द लेटेस्ट अलर्ट कैंडल। स्टॉप लॉस वुड बी अबाउ द हाइएस्ट हाई ऑफ ऑल द अलर्ट कैंडल्स और टारगेट 4 times द रिस्क। इसके भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ये कैंडल कम्प्लीटली बॉलिंजर बैंड के ऊपर है। इसका लो बॉलिंजर बैंड के सीधा ऊपर आ गया, सो हम इसके लो पे एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस अबाउ द लेटेस्ट हाई, इस केस में तो एक ही अलर्ट कैंडल है, इसके हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट 4 times द रिस्क। एंड दिस एग्जाम्पल वॉज ऑल्सो विन। चलिए आई होप स्ट्रैटेजी क्लियर है। आप उनका वीडियो ज़रूर देखिए अगर आपको स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल में और जानना है। तो इस स्ट्रैटेजी को हम 100 times टेस्ट करेंगे और इसका असली विन रेट चेक करेंगे। आई लेट यू नो द फुल रिजल्ट आफ्टर द टेस्ट। चलिए रिजल्ट देखते हैं। सो द टेस्ट आर ओवर। जैसे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड वॉज 100, उसमें से 25 वॉज विन एंड 75 वॉज लॉस। सो विन रेट वॉज 25% एंड गेन इन अकाउंट वॉज जस्ट 27.72% और मैक्स ड्रॉडाउन इज -11.37%। कंटिन्यूस विन इन अ रो इज 4 एंड कंटिन्यूस लूज इन अ रो इज 11। सो टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वॉज 2.07 months। जैसे आप देख सकते हो स्ट्रैटेजी इज प्रॉफिटेबल। 27.72% गेन इन 2 months इज क्वाइट गुड। इसमें मेरे लिए ओनली कंसर्निंग पॉइंट है इसका ड्रॉडाउन, दैट इज 11.37%। ऑब्वियसली आप 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रखोगे तो इतना कम विन रेट और इतना हाई ड्रॉडाउन एक्सपेक्टेड है। 5 AMA के रिजल्ट से कंपेयर करूँ तो थोड़ा स्टॉक्स में रिजल्ट इसका पुअर है। देखते हैं बाकी सब में कैसे काम करता है। और बहुत जल्दी हम बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटेजी को निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी टेस्ट करेंगे और आपको रिजल्ट दिखाएंगे। सो कूडोज टू सुभाषीष पन्नी जी फॉर शेयरिंग दिस स्ट्रेटेजी। एज ऑलवेज जैसे मैं बोलता हूँ, आपको सीधा मेरी बात या किसी की भी बात ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। हर स्ट्रेटेजी को आपको पहले खुद टेस्ट करना है और फिर डिसाइड करना है कि ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है। सो आई ऐड दिस स्ट्रेटेजी इन द गूगल शीट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड दिस टेक्स द 18th पोजीशन इन द लिस्ट। यू कैन चेक द लिस्ट एंड रिव्यू और रिवॉच एनी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी यू लाइक। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड हिटिंग द बेल नोटिफिकेशन एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो स्क्रीन पे UPI ID दिख रहा होगा। अगर आपको भी एक जीरो ब्रोकरेज डिमैट अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं एम स्टॉक्स बाय मीरा एसेट का लिंक डाल दूंगा, आप उनको जरूर चेकआउट करना। और अगर आपको ये वाली बैक टेस्टिंग शीट चाहिए तो मैंने इसे ऑलरेडी हमारे चैनल पे शेयर किया है। आपको एक वीडियो सजेस्ट हो रहा रहेगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वो वीडियो देखना, आपको ये बैक टेस्टिंग शीट मिल जाएगा। प्लीज कमेंट में आपके फीडबैक दीजिए और कौन सी स्ट्रेटेजी आप चाहते हैं कि हम टेस्ट करें अपने फ्यूचर वीडियोज में, ये भी जरूर बताना। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट देख सकते हो और दूसरे स्ट्रेटेजीज के वीडियो भी देख सकते हो। ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज फॉलो एंड शो योर सपोर्ट। मोर ऑसम कंटेंट्स आर ऑन द वे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। Investments and securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.